दोस्तों, एंगुलर 5 के फुल ट्रेनिंग सीरीज में आपका स्वागत है। जैसा कि हमने पिछले वीडियो में देखा कि मॉड्यूल्स क्या होता है और मॉड्यूल्स के बारे में डीपली हमने अंडरस्टैंड किया। दोस्तों, हम आपके लिए आज एक ऐसा वीडियो लेकर आए हैं जिसमें आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। जी हाँ, हम आपके लिए एक डेकोरेटर्स के बारे में वीडियो लेकर आए हैं और इस डेकोरेटर के वीडियो में हम आपको एक एक करके एग्जाम्पल देकर समझाएंगे, जिसको आपको बहुत ही समझने की ज़रूरत है। और प्लीज़ आप इसको केयरफुली देखें और नोट करते जाएं, क्योंकि इंटरव्यू पर्पस से इसमें बहुत सारे क्वेश्चन रेज होते हैं। दोस्तों, इससे पहले कि मैं इस ट्यूटोरियल को स्टार्ट करूं, मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर अभी तक आपने मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें और बेल के आइकन को क्लिक कर लें, ताकि मेरे आने वाले हर वीडियो के नोटिफिकेशन आपके ईमेल और यूट्यूब में मिलती रहे। थैंक यू सो मच। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो ट्यूटोरियल को। दोस्तों, इस वीडियो में आपको समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि डेकोरेटर क्या होता है। दोस्तों, डेकोरेटर एक टाइप स्क्रिप्ट का फीचर है जो कि एज ए फंक्शन की तरह इम्प्लीमेंट किया जाता है इसको। और जो डेकोरेटर होता है उसका जो नेम होता है एड्रेस सिंबल के से स्टार्ट होता है, और उसमें आपको पता ही है कि जो भी फंक्शन होता है उसका जो नेम होता है उसके लास्ट में ब्रैकेट्स होते हैं और उसके कुछ आर्गुमेंट्स होते हैं। सेम उसी तरीके से टाइप स्क्रिप्ट का एक फीचर होता है डेकोरेटर, जो कि एक फंक्शन की तरह होता है और जो इसका नेम होता है उसमें प्रीफिक्स में एड्रेस लगा हुआ रहता है, राइट? तो चलिए, मैं आपको साथ ही साथ मैं आप कोड में भी दिखाते चलता हूँ कि डेकोरेटर कैसे दिखता है एप्लीकेशन के अंदर। दोस्तों, जैसा कि पिछले वीडियो में मैंने बताया भी था कि एनजू मॉड्यूल जो है एक तरह का डेकोरेटर है। इसमें मैं बताऊंगा कि एनजी बंडल मॉड्यूल किस लेवल का डेकोरेटर है, मींस हाउ मेनी टाइप्स ऑफ डेकोरेटर, इस वीडियो में हम समझाएंगे। आप देख सकते हैं यहाँ पर कि एनजी मॉड्यूल के प्रीफिक्स में एड्रेट लगा हुआ है और ब्रैकेट लगा हुआ है लास्ट में, यानी कि और कुछ आर्गुमेंट इसमें पास किए हुए हैं जो कि एरे टाइप का है। डिक्लेरेशन है, इंपोर्ट्स है, प्रोवाइडर है, बूटस्ट्रैप है, इसके बारे में मैंने आपको समझा भी चुका हूँ। तो दोस्तों, मेरे कहने का मतलब यह है कि जो डेकोरेटर होता है उसका नेम आप आइडेंटिफाई कर सकते हैं, क्योंकि इसके नेम के स्टार्टिंग में एट द रेट लगा हुआ रहता है और लास्ट में ब्रैकेट्स लगे होते हैं जो कि एक फंक्शन को डोनेट करता है, इंडिकेट करता है कि यह एक फंक्शन है, राइट? मींस कि दोस्तों, डेकोरेटर एक सिंपली फंक्शन होता है और ये फंक्शन रिटर्न भी करता है, और जो फंक्शन होता है वो मेटा डेटा को सप्लाई करता है एंगुलर को, जो कि क्लास टाइप हो सकता है, प्रॉपर्टी हो सकता है, वैल्यू होता है, हो सकता है मेथड हो सकता है। मींस कि जो ये एंगुलर का डेकोरेटर होता है एक तरह का फंक्शन है, और एंगुलर को ये मेटा डेटा प्रोवाइड करता है, सप्लाई करता है, जो कि क्लास टाइप का हो सकता है, प्रॉपर्टी वैल्यू और मेथड टाइप का होता है। डेकोरेटर रन टाइम पर इन्वोक होता है, राइट? जैसे कि कम हर डेकोरेटर का एक मतलब होता है और वो एक फंक्शन को एग्जीक्यूट करता है। जैसे कि हम अगर बात करें कंपोनेंट डेकोरेटर को, तो क्या करता है कि कंपोनेंट फंक्शन को एग्जीक्यूट करता है एंगुलर 5 के अंदर। तो हम कुछ जो कॉमन डेकोरेटर्स होते हैं उसके बारे में समझ लेते हैं। जैसे कि एनजी मॉड्यूल है, एक डेकोरेटर है, तो किसको डिफाइन करता है? मॉड्यूल्स को डिफाइन करता है। उसी तरीके से जो कंपोनेंट डेकोरेटर होता है वो कंपोनेंट को डिफाइन करता है। उसी तरीके से इंजेक्टेबल सर्विस को डिफाइन करता है और इनपुट आउटपुट प्रॉपर्टीज को डिफाइन करता है, जो कि जो डेटा होता है उसको डॉम को सेंड और रिसीव करता है। इसको मैं आगे बताऊंगा कि इनपुट आउटपुट क्या होता है, राइट? अगला है कि जैसे टाइप ऑफ डेकोरेटर्स। दोस्तों, जो डेकोरेटर का टाइप होता है वो चार तरह के होते हैं, आप इसको नोट कर सकते हैं। और जो इस मैं आपको स्क्रीन पर जो लिखा हुआ है आप केयरफुली इसको नोट कर लें, तो क्योंकि ये सारी चीजें इंटरव्यू में जरूर पूछे जाते हैं। पहला होता है क्लास डेकोरेटर, मैं बारी बारी से इनका एग्जाम्पल भी देखेंगे। मीन्स कि मैं एक एक करके सभी टाइप्स का जो है डेकोरेटर उसके सभी का मैं प्रैक्टिकल करके दिखाऊंगा इस वीडियो में आपको, और अच्छे से आपको समझ में आ जाएगा कि डेकोरेटर का टाइप्स क्या होता है और किस टाइप का डेकोरेटर का फंक्शन क्या होता है और वो कैसे वर्क करता है, राइट? पहला होता है क्लास डेकोरेटर। जैसा कि आप मैंने अभी आपको थोड़ी देर पहले दिखाया कि एनजी मॉड्यूल भी एक डेकोरेटर है, वो एक क्लास टाइप का डेकोरेटर है, कंपोनेंट भी क्लास टाइप का डेकोरेटर है,
प्रॉपर्टी डेकोरेटर्स होते हैं, जैसे कि इनपुट आउटपुट जो होता है वो प्रॉपर्टी डेकोरेटर होते हैं। मेथड डेकोरेटर होते हैं, जैसे होस्ट लिसनर होता है वो मेथड डेकोरेटर होते हैं। पैरामीटर डेकोरेटर भी होता है जो कि एक इंजेक्टेबल टाइप का होता है, @ इंजेक्ट से हम उसको इंडिकेट करते हैं, राइट। और सारे डेकोरेटर का एक अपना अलग अलग रोल होता है, राइट। तो चलिए हम एक एक करके प्रैक्टिकल करके देखते हैं कि कौन से डेकोरेटर कैसा वर्क करता है और किसका क्या फंक्शंस है, राइट। चलिए हम पहले स्टार्ट करते हैं क्लास डेकोरेटर को। तो दोस्तों ये हमारा एप्लीकेशन है जिस पे हम स्टार्ट से ये काम कर रहे हैं, जिसका नेम है माई एनजी 5 ऐप। तो दोस्तों जैसा कि मैंने बताया कि जो एनजी मॉड्यूल है एक तरह का डेकोरेटर है, राइट। आप देख सकते हैं कि इसके स्टार्टिंग में @ लगा हुआ है और लास्ट में जब फंक्शन का इंडिकेशन होता है ब्रैकेट्स लगा हुआ है। तो जो ये एनजी मॉड्यूल है ये क्या है, मॉड्यूल का डेकोरेटर है। और आप इसमें app.component.ts के अंदर देख सकते हैं जो कंपोनेंट है ये भी डेकोरेटर है, क्या कि कंपोनेंट लेवल का डेकोरेटर है। ये कहाँ से इंपोर्ट होता है, एंगुलर की एंगुलर से इंपोर्ट होता है कंपोनेंट कंपोनेंट डेकोरेटर। उसी तरीके से जो मॉड्यूल है वो भी इंपोर्ट एंगुलर से, राइट। मींस कि एनजी मॉड्यूल जो है ये भी एंगुलर से इंपोर्ट होता है। आप यहाँ पे देख सकते हैं कि इंपोर्ट एनजी मॉड्यूल फ्रॉम एंगुलर @ एंगुलर कोर, राइट। उसी तरीके से आप कंपोनेंट के अंदर भी देख सकते हैं कि कंपोनेंट भी एंगुलर से इंपोर्ट होता है। मींस के जो डेकोरेटर्स होते हैं एंगुलर का पार्ट होता है और हम एंगुलर से उसको इंपोर्ट करते हैं, राइट। अब हम देखते हैं कि जो ऐप मॉड्यूल है उसके अंदर एनजी मॉड्यूल डेकोरेटर है, उसके अंदर जो ये फंक्शन है ये जो ऑब्जेक्ट एक्सेप्ट करता है, जो आर्गुमेंट्स होते हैं उसमें डिक्लेरेशन है। डिक्लेरेशन के बारे में मैं आपको पहले ही आपको समझा चुका हूँ कि डिक्लेरेशन के अंदर वो चीज़ आता है जैसे कि हम कोई भी कंपोनेंट ऐड करते हैं, जैसे कि मैंने स्टूडेंट और स्टूडेंट पोर्टल जैसे हमने कंपोनेंट ऐड करके दिखाया था तो उसको हम यहाँ पर डिक्लेयर कर रहे थे, राइट। उसी तरीके से इंपोर्ट के अंदर अगर हम कोई मॉड्यूल इंपोर्ट करते हैं ऐड करते हैं तो उसको यहाँ पर हम इंपोर्ट के अंदर डिक्लेयर करते हैं। प्रोवाइडर के अंदर हम सर्विस रखते हैं, आगे मैं इसी वीडियो में दिखाऊंगा कि कैसे सर्विस को इसके अंदर हम डिक्लेयर करते हैं। बूटस्ट्रैप के बारे में आपको पता ही है कि यह डिफाइन करता है कि कौन सा स्टार्टिंग कंपोनेंट होगा इस एप्लीकेशन का। तो चलिए दोस्तों मैं इस ऐप मॉड्यूल के अंदर जो क्लास है उसके अंदर मैं एक कंस्ट्रक्टर बनाता हूँ, कंस्ट्रक्टर, राइट। उसके अंदर मैं लिखता हूँ कंसोल। मैं ये दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ कि जो क्लास है, क्लास मॉड्यूल जो है, जैसे कि मैंने बताया कि एनजी मॉड्यूल क्या है, क्लास लेवल का क्लास टाइप का एनजी मॉड्यूल है। तो ये क्लास एक्सपोर्ट करता है, उसके अंदर मैं कंस्ट्रक्टर बनाता हूँ और जैसे ही रन कराऊंगा ये रन टाइम पर एग्जीक्यूट करेगा और उसके जो इन्फॉर्मेशन होगा वो कंसोल में राइट कर देगा, राइट। तो जैसे कि कंसोल डॉट लॉग, ये एक फंक्शन है कंसोल का। आपको पता ही है कि कंसोल डॉट लॉग एक फंक्शन है जो कि इसके अंदर हम जो भी लिखते हैं उसके वैल्यू को ये क्या करता है, कंसोल के अंदर राइट कर देता है, राइट। इसके अंदर हम लिख देते हैं हाय आई एम मॉड्यूल, ताकि हमें पता चले कि कौन सा कंसोल डॉट लॉग मॉड्यूल से आ रहा है और कौन सा कंपोनेंट से। इसी तरीके से मैं कंपोनेंट मॉड्यूल के डेकोरेटर के अंदर भी एक कंस्ट्रक्टर बनाएंगे और उसके अंदर भी हम कंसोल डॉट लॉग लिखेंगे, उसके बाद इस एप्लीकेशन को बिल्ड करेंगे, राइट। यहाँ पे मैं लिखता हूँ मॉड्यूल सेमी कॉलन, राइट। उसी तरीके से मैं app.component.ts के अंदर जाता हूँ, इसके अंदर भी एक क्लास है और इसमें भी मैं एक कंस्ट्रक्टर बनाता हूँ। यहाँ पर मैं कंस्ट्रक्टर बनाता हूँ और इसमें मैं लिखता हूँ कंस्ट्रक्टर और इसके अंदर मैं लिखता हूँ कंसोल डॉट लॉग हाय आई एम कंपोनेंट, सेमी कॉलन। और क्या करता हूं मैं इसको
यहाँ व्हाइट स्पेस लेगा, इसके अंदर मैं जाता हूँ, यहाँ पे भी एक एरर शो कर रहा है, क्या एरर है, यहाँ व्हाइट स्पेस लेगा आई थिंक, यह सही हो गया। अब मैं क्या करता हूँ कि इसको सेव करके बिल करता हूँ, एनजी सर्व ओ राइट। अब ये एप्लीकेशन बिल्ड करेगा, इट विल टेक सम टाइम। ये बोल रहा है कि पोर्ट 4200 इज ऑलरेडी इन यूज, यूज पोर्ट टू स्पेसिफाई ए डिफरेंट पोर्ट, राइट। कि हम मैंने अभी क्या किया था, थोड़ी देर पहले इस एप्लीकेशन को सर्व कर दिया था, राइट। इसलिए क्या बोल रहा है कि ये जो एप्लीकेशन है 42 ऑलरेडी यूज कर रहा है, तो पहले उसको किल करो, राइट। तो क्या करते हैं हम, यहाँ पे आप देख सकते हैं ये बिल्ड कर रहा है, तो मैं क्या करता हूँ, इसको बंद कर देता हूँ, यहाँ पे मैं क्लियर करता हूँ, और फिर लिखता हूँ एनजी सर्व ओ, ये रन कर रहा है एप्लीकेशन। इट्स डन। आप यहाँ पे देख सकते हैं ब्राउजर के अंदर ये एप्लीकेशन रन कर चुका है। मैं जो आपको दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ, आप यहाँ पर देख सकते हैं, राइट क्लिक करके इंस्पेक्ट और कंसोल के अंदर जो हमने अभी मॉड्यूल डेकोरेटर और कंपोनेंट डेकोरेटर के अंदर जो मैसेज दिया था हमने, वो यहाँ पर राइट हो चुका होगा कंसोल के अंदर। यहाँ पर दिखा रहा है आई एम मॉड्यूल, राइट। मॉड्यूल के अंदर जो हमने लिखा था वो यहाँ पर राइट हो चुका है। यहाँ पर हाई आई एम कंपोनेंट भी लिखा होना चाहिए। मैं अभी देखता हूँ कि वो क्यों नहीं राइट हुआ, राइट। ये कंपोनेंट डेकोरेटर है, यहाँ पर सेमी कोलन और वाइट स्पेस सब कुछ सही है। मैं भी एक फिर से अगेन सेव करता हूँ, तो ये मे भी यहाँ पर राइट हो जाना चाहिए। यस, अभी आप यहाँ पर देख सकते हैं कि दोनों जो मैसेज है जो हमने मॉड्यूल के अंदर लिखा था, हाई एम मॉड्यूल और हाई एम कंपोनेंट जो कंपोनेंट के अंदर लिखा था, दोनों मैसेज यहाँ पर राइट हो चुका है। इससे ये आपको पता चलता है कि जो एक क्लास डेकोरेटर है, जो क्लास लेवल का डेकोरेटर है, मॉड्यूल और कंपोनेंट अपने आप को एग्जीक्यूट कर रहा है जो रन टाइम पर, उसके मैसेज को आप यहाँ पर देख सकते हैं। तो दोस्तों ये है क्लास टाइप का डेकोरेटर, और अगला हम देखने चल रहे हैं प्रॉपर्टी डेकोरेटर, कि प्रॉपर्टी डेकोरेटर क्या होता है, उसके भी एग्जाम्पल हम अभी हम यहाँ देखेंगे। दोस्तों प्रॉपर्टी डेकोरेटर जो होता है हमें अलाउ करता है कि आप क्लास के अंदर किसी भी प्रॉपर्टी को डेकोरेट कर सकते हैं, राइट। जैसे कि इनपुट हुआ, आउटपुट आउटपुट हुआ, ये दोनों इनपुट आउटपुट जो होता है, इसके बारे में मैं एक सेपरेट वीडियो बनाऊंगा जो कि हमारा अगला पार्ट होगा। आप उसमें ये देख सकते हैं कि इनपुट आउटपुट जो कि कम्युनिकेट सन इन बिल्ड करता है पेरेंट कंपोनेंट से चाइल्ड कंपोनेंट में और चाइल्ड कंपोनेंट से पेरेंट कंपोनेंट में, मींस कि एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है इनपुट आउटपुट। इसके लिए मैंने एक सेपरेट वीडियो बनाने के लिए सोचा है जो कि हमारा अगला वीडियो होगा, आप उसको जरूर देखें। फिर भी मैं आपको एक छोटा सा दिखा देता हूँ कहाँ हम उसको डिक्लेयर करते हैं और कैसे यूज करते हैं, बट इसके लिए मैंने एक डिटेल्स में वीडियो बनाने के लिए सोचा है जो कि अब जो हमारा अगला पार्ट होगा उसको आप जरूर देखें। तो दोस्तों जैसे कि ये कंपोनेंट टीएस है, राइट, इसके अंदर हम यहाँ पर इनपुट आउटपुट का जो प्रॉपर्टी है उसको हम यहाँ पर डिक्लेयर कर सकते हैं। उसके लिए हमें करना क्या होगा कि क्लास के अंदर हम यहाँ पर लिखते हैं एट द रेट इनपुट। जैसे ही आप यहाँ पे देख सकते हैं, जैसे ही मैंने यहाँ पे एडेट इनपुट लिखा, ये क्या किया कि इनपुट यहाँ पर इंपोर्ट कर लिया, कहाँ से, एंगुलर से,
मीन्स कि एंगुलर से ही हम किसी भी डेकोरेटर को इंपोर्ट करते हैं। सारे डेकोरेटर एंगुलर के अंदर ऑलरेडी इनबिल्ड है, उसको हमें वहां से इनबिल्ड करना होता है अपने एप्लीकेशन के अंदर, और उस डेकोरेटर को अपने एप्लीकेशन के अंदर यूज कर सकते हैं, राइट। जैसे तो हमने यहाँ पे लिखा इनपुट, और यहाँ पर आपको पता ही है कि जो डेकोरेटर होता है वो फंक्शन होता है, तो हम यहाँ पर फंक्शन देंगे, मीन्स ब्रैकेट जो फंक्शन फंक्शन का इंडिकेशन होता है, फंक्शन दिया हमने, और यहाँ पर हम एक प्रॉपर्टी डिफाइन कर रहे हैं। जैसे कि एग्जांपल में कुछ भी नाम ले सकते हैं यहाँ पर, एग्जांपल प्रॉपर्टी, और इसको हम देते हैं कि ये जो होगा स्ट्रिंग टाइप का होगा, राइट, सेमी कॉलन। यहाँ पर एरर दे रहा है, मींस कि यहाँ पर अभी व्हाइट स्पेस होगा, यहाँ पर एरर दे रहा है। दोस्तों हम देखते हैं कि यहाँ पे किस चीज का एरर है, प्रॉपर्टी, राइट। ये एक तरह का यहाँ पे वेरिएबल डिक्लेयर कर रहे हैं, यहाँ पे हम नहीं देंगे इसको एज ए प्रॉपर्टी, इसको हम यूज करेंगे जहाँ पर, वहां पर हमें ये ब्रैकेट देना होगा। यहाँ पर जैसे हम ब्रैकेट हटाएंगे ये एरर चला जाएगा, राइट। अब इसको जो ये वेरिएबल हमने दिया जो इनपुट टाइप का है, इसको हमें यूज करना होगा अपने कंपोनेंट को जहां पर हम यूज कर रहे हैं, जिस कंपोनेंट का जो ऐप डॉट रूट है, ऑब्जेक्ट जो हम होता है जिसको हम इंस्टांस बोलते हैं, इसको कहीं भी जिस HTML पर हम यूज करते हैं वहां पर इस प्रॉपर्टी को हम डिफाइन कर देते हैं। इसके बारे में मैं अगले वीडियो में बताऊंगा अच्छे से, फिर भी मैं आपको दिखाता हूँ कैसे यूज करते हैं थोड़ा सा। जैसे यहाँ पर आपको पता है कि जो ऐप डॉट कंपोनेंट डॉट TS का जो इंस्टांस है उसको हम यूज कर रहे हैं इंडेक्स डॉट HTML के अंदर। यहाँ पर हम यूज कर लेते हैं इसको एज ए प्रॉपर्टी, यहाँ पर हमें लिखना होगा, इसको हम यहीं से कॉपी कर लेते हैं ताकि कोई एरर ना शो करे। इंडेक्स डॉट HTML के अंदर जाते हैं और यहाँ पर हम डालते हैं इसको, बंद करते हैं, और इसके अंदर जो भी हम मेटा डेटा डालेंगे, मेटा डेटा जो कि इन्फॉर्मेशन होता है, जैसे कि मैंने पहले आपको बताया कि एक मेटा डेटा लेकर जाता है जो क्लास टाइप का भी हो सकता है, प्रॉपर्टी भी होता है, तो यहाँ पर हम मेटा डाटा डाल सकते हैं, यहाँ पर एग्जाम्पल डाटा जो भी लिख सकते हैं आप, यहाँ पर डाटा, राइट। इसको हम इस तरीके से यूज करते हैं, बट ये इतना ही नहीं है, इसमें बहुत सारी चीजें हैं जो मैं अगले वीडियो में आपको अच्छे से समझाऊंगा। तो दोस्तों इस तरीके से हम प्रॉपर्टी डेकोरेटर यूज करते हैं। चलिए अगर इसको हम अभी हटाता हूँ जैसा बाई डिफॉल्ट है उसको रखते हैं, और अगला डेकोरेटर समझते हैं। तो दोस्तों अगला जो डेकोरेटर है वो है एक मेथड डेकोरेटर। मेथड डेकोरेटर भी प्रॉपर्टी डेकोरेटर की तरह ही होता है, बट इसको हम एज ए मेथड यूज करते हैं, और मेथड डेकोरेटर को जैसे एंगुलर हमें ये अलाउ करता है कि मेथड डेकोरेटर को हम एज ए मेथड क्लास के अंदर डेकोरेट कर सकते हैं। इसका एक अच्छा सा एग्जाम्पल है होस्ट लिस्टनर। इसमें एंगुलर हमें अलाउ करता है कि हम अपने जो इवेंट है उसको हम एंगुलर में कैसे डिफाइन करते हैं, उसको लिए हम कैसे लिखते हैं कोड, मैं आपको आगे भी दिखाता हूँ अभी। तो दोस्तों चलते हैं हम यहाँ पर ऐप डॉट कॉम्पोनेंट डॉट TS के अंदर, और यहाँ पर हम इनपुट आउटपुट को भी हटा देते हैं, और यहाँ पर हम यूज करते हैं अब होस्ट लिस्टनर के लिए। तो इसका भी आपको पता ही है कि जो भी डेकोरेटर होता है उसको हम एड्रेस से इंडिकेट करते हैं, होस्ट लिस्टनर। देखिए जैसे ही मैंने यहाँ पर होस्ट लिस्टनर लिखा, ये अपने आप इंपोर्ट हो चुका है एंगुलर से, और यहाँ पर हम लिखते हैं इवेंट पर, मीन्स कि हम इसको आइडेंटिफाई करा रहे हैं, इसमें हम डिक्लेयर कर रहे हैं होस्ट लिस्टनर से कि जैसे ही कोई यूजर हमारे ब्राउजर पर क्लिक करता है, यहाँ पर माउस ओवर, यहाँ पे जैसे मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ क्लिक, या आप यहाँ पर माउस ओवर, माउस
आप कुछ भी लिख सकते हैं जो कि आपके ब्राउजर पर दिखेगा इसका, मतलब कि होस्ट का, जो होस्ट को लिसन करता है एंगुलर कि आप इस पे क्या कर रहे हैं, उसके अकॉर्डिंग आप जो इस फंक्शन के अंदर लिखेंगे वो उसको एग्जीक्यूट कर देगा। जैसे मैं क्लिक के लिए बना रहा हूँ, राइट, तो यहाँ पर मैं लिखूंगा इवेंट इवेंट, राइट, ये मेथड होता है एक्चुअली, आपको पता ही है कि फंक्शन होता है डेकोरेटर, तो इसको ब्रैकेट के अंदर आता है। ये हो गया आपका। इसके बाद हम यहाँ पर लिखेंगे इसको, इसका अपना होस्ट क्लिक नाम का बनाएंगे जो फंक्शन होगा, ऑन होस्ट क्लिक, और इस पे लिखेंगे जो इवेंट हम यहाँ पास कर रहे हैं उसका इवेंट टाइप का बना देंगे इसको, मैं वेरिएबल को इवेंट, और इसके अंदर जो हम लिखेंगे कोई मान लो मैं यहाँ पे अलर्ट कर ले रहा हूँ, राइट, और इसमें मैं लिखता हूँ हेलो, राइट। अभी यहाँ पर वाइट स्पेस का इश्यू देगा, यहाँ पर वाइट स्पेस का इश्यू है, ये सही हो गया। अब इसको जैसे ही हम रन करेंगे, राइट, तो ये क्या करेगा कि हम जैसे ही ब्राउजर पर क्लिक करेंगे कहीं भी, तो ये हमें वो मैसेज देगा जो हम इस फंक्शन के अंदर लिख रखा है हमने, जैसे हमने अलर्ट लगाया था हेलो। ये क्या कर रहा है कि जैसे होस्ट को लिसन कर रहा है, उसको गेट कर रहा है, और उसके अंदर जो हम लिखा है हमने, उस जैसे मैंने क्लिक लिखा उसी तरीके से अगर मैं माउस ओवर पर लिखूंगा, जैसे ही जैसे माउस कहीं कहीं क्लिक करूंगा उस पर जो हम लिखेंगे फंक्शन के अंदर जो भी हम इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करना चाहेंगे वो हमारे ब्राउजर में दिखने लगेगा, राइट। तभी हमने क्लिक लिखा है तो हम ब्राउजर में कहीं भी क्लिक करेंगे वो अलर्ट हमें दिखा देगा, राइट। यानी कि ब्राउजर को होस्ट को लिसन कर रहा है और उसके इन्फॉर्मेशन को यहाँ पर शो कर रहा है, राइट। ये हुआ हमारा कौन सा मेथड डेकोरेटर, राइट। और लास्ट डेकोरेटर जो होता है हमारा, उसको अब देखते हैं। तो दोस्तों अगला जो डेकोरेटर है वो है पैरामीटर डेकोरेटर। जो पैरामीटर डेकोरेटर हमें अलाउ करता है पैरामीटर को क्लास के अंदर डेकोरेट करने के लिए, राइट, मींस कि विदाउट डेकोरेटर, विदाउट पैरामीटर डेकोरेटर यू कांट डेकोरेट पैरामीटर इन आवर क्लास, राइट। इसका एक सिंपल सा अच्छा सा एग्जाम्पल है इंजेक्ट और इंजेक्टेबल। मीन्स कि इंजेक्टेबल हमें क्या करता है कि अलाउ करता है कि एंगुलर के अंदर हम किसी भी प्रोवाइडर को इंजेक्ट कर सकते हैं जो कि कंस्ट्रक्टर के अंदर हम इंजेक्ट करते हैं। तो चलिए एक छोटा सा एग्जाम्पल करके देखते हैं कि कैसे हम किसी भी प्रोवाइडर को इंजेक्ट करते हैं कंस्ट्रक्टर के अंदर। तो इसके लिए हम एज एग्जाम्पल लेते हैं एज ए प्रोवाइडर, हम एग्जाम्पल लेते हैं सर्विस का, एक हम सर्विस इसमें क्रिएट करते हैं, राइट। तो सर्विस क्रिएट करने के लिए आपको मैंने पहले ही बताया था कि उसका कमांड क्या होता है, तो इसको हम नया टर्मिनल ओपन कर लेते हैं और यहाँ पर हम लिखेंगे ng जेनरेट सर्विस और सर्विस का नेम, मीन्स हम ले लेते हैं माई सर्विस, राइट, और क्लिक करते हैं इंटर। ये क्या करेगा कि हमारे एप्लीकेशन के अंदर एक माई सर्विस नेम का सर्विस क्रिएट कर देगा, जनरेट कर देगा, राइट। तो दोस्तों अब आप देख सकते हैं कि यहाँ पर माई सर्विस डॉट सर्विस ts करके जो टाइप स्क्रिप्ट है हमारा सर्विस क्रिएट हो चुका है, जो कि हमारा नेम क्या दिया है एक्सपोर्ट क्लास माई सर्विस सर्विस। आप यहाँ पर देख भी सकते हैं कि इंजेक्टेबल डेकोरेटर, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो क्या है इंजेक्टेबल एंगुलर के अंदर एंगुलर से हम इंपोर्ट कर चुके हैं, ये ऑटोमेटिकली इंपोर्ट कर देता है, राइट। अब हम इसको कैसे
यूज करेंगे अपने एप्लीकेशन के अंदर, चलते हैं एप डॉट कॉम्पोनेंट डॉट टी एस के अंदर, और यहाँ पर हम कंस्ट्रक्टर के अंदर, जैसा कि मैंने बताया कि इसको हम कहाँ इंजेक्ट करते हैं, कंस्ट्रक्टर के अंदर, राइट। तो यहाँ पर मैं लिखूंगा एट द रेट, आप यहाँ पर देखना कि जैसे यहाँ पे कंपोनेंट इनपुट और होस्ट लिस्टनर इंपोर्ट हो चुका है, जैसे ही मैं यहाँ पर लिखूंगा इंजेक्ट, अपने आप इंजेक्ट को इंपोर्ट कर देगा एंगुलर के अंदर से एप्लीकेशन, राइट। यहाँ पर लिखता हूँ मैं इंजेक्ट, आई कैपिटल इंजेक्ट, मीन्स कि इसको इंपोर्ट कर लिया, राइट। अब इसके अंदर ये एक डेकोरेटर होता है, तो ये फंक्शन टाइप का होगा, और इसमें मैं इसके अंदर मैं एज ए पैरामीटर पास करता हूँ माई सर्विस को, और इसके जो सर्विस है उसका मैं टाइप बता दूँ, राइट। अब मैं इसको कंसोल डॉट लॉग लिख सकता हूं यहां पर, दिखाने के लिए कि आपको यहां पर दिखे कि जो इस सर्विस के अंदर जो भी इंफॉर्मेशन है उसको हम कंसोल के अंदर राइट करके देख लेते हैं, कि जैसे इंजेक्ट के बाद ये आप सर्विस अपने आप को कॉल करेगा और उसके इंफॉर्मेशन को एग्जीक्यूट कर देगा, राइट। तो यहां पर दिखाने के लिए मैं लिखता हूं आपको कंसोल, कंसोल डॉट लॉग, और इसके अंदर मैं जो वेरिएबल बनाया मैंने माई सर्विस, इसको पास कर देता हूँ, राइट, सेमी कॉलन। अब भी मैंने यहाँ इसको कॉल किया, अब जैसे ही मैं इसको सर्व करूंगा, एग्जीक्यूट करूंगा, सेव करूंगा, यहाँ पर आप देख सकते हैं यहाँ पर एरर शो कर रहा है। क्यों शो कर रहा है मैं आपको यहाँ पे दिखा दूँ, इसलिए शो कर रहा है कि हमने इस सर्विस को प्रोवाइडर के अंदर डिक्लेयर नहीं कर रखा है। आप यहाँ पर देख सकते हैं इंस्पेक्ट करके, यहाँ पर एरर दे रखा है इसने, ये बोल रहा है कि ये सर्विस इसको नहीं मिल रहा है कंपोनेंट के अंदर। तो हम क्या करेंगे, यहाँ जाएंगे और इस सर्विस को प्रोवाइडर के अंदर, जैसा कि मैंने पहले ही बताया था कि ऐप डॉट मॉड्यूल के अंदर ये प्रोवाइडर होता है, इसके अंदर हम सर्विस को डिक्लेयर करते हैं, यहाँ पर लिख देंगे, और इस यहाँ पर लिखते हैं तो इसको हमें यहाँ पर इंपोर्ट करना होगा, इंपोर्ट कर लेंगे, यहाँ पर इसको इंपोर्ट कर लिया मैंने माई सर्विस डॉट सर्विस को, और ये क्या, अब हम इसको रन करा कर देखते हैं। जैसे ही रन कराएंगे रन हो जाएगा, आप यहाँ पर देख सकते हैं कि जो माई सर्विस कंसोल के अंदर माई सर्विस सर्विस का जो मेथड है उसको ये एग्जीक्यूट कर दिया है। अगर यहाँ पर कोई इन्फॉर्मेशन होता तो आपके ब्राउजर पर दिख जाता, आप यहाँ पर कंसोल के अंदर देख सकते हैं जो कि हमने राइट किया था, ये इसको कॉल कर रहा है, इसके अंदर जो ऑब्जेक्ट है इसको देख सकते हैं, राइट दोस्तों, राइट। तो ये हमारा हुआ डेकोरेटर, आज हमने इस वीडियो में डेकोरेटर को देखा अच्छे से डिटेल्स से। फिर भी अगर आपको कोई भी कंफ्यूजन या कोई भी क्वेश्चन आपके माइंड में हो तो आप हमारे इस वीडियो के कमेंट में लिख सकते हैं, ताकि मैं उस कंफ्यूजन को अगले वीडियो में क्लियर कर सकूं। और दोस्तों आप मुझे अपना सजेशन भी दे सकते हैं, जिससे कि हम अपने वीडियो को अच्छे क्वालिटी में बना सकें। दोस्तों अगला वीडियो हमारा आप जरूर देखें, क्योंकि अगले वीडियो में मैं जो डिस्कशन करने जा रहा हूँ इनपुट और आउटपुट डेकोरेटर को, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है एंगुलर का, इसमें हम ये आपको बताएंगे कि पेरेंट डेकोरेटर, पेरेंट कंपोनेंट से हम कैसे कम्युनिकेट करते हैं चाइल्ड कंपोनेंट को, और चाइल्ड कंपोनेंट से कैसे कम्युनिकेट करते हैं पेरेंट कंपोनेंट को, मीन्स कि बिटवीन कम्युनिकेशन बिटवीन द कंपोनेंट्स। तब तक के लिए थैंक यू सो मच।